हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनाज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है, मुझे तो लगता है कि इस साल इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है, ना स्वेटर के बगैर गुजारा है, ना सॉक्स के बगैर गुजारा है, किसी भी चीज़ के। आपको बिस्तर में से निकलने को दिल ही नहीं करता, हर टाइम इंसान ठंड ठंड हाय ठंड 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 इसी तरह करता रह जाता है, और कोई भी काम करने को तो दिल ही नहीं करता। दिल करता है कि बस सोए रहो या बिस्तर में बैठे रहो और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते रहो, इस तरह की चीज़ें बस खाते रहो। तो अब जिस तरह सर्दी हो रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा चले आए लेट नाइट हम कॉफ़ी बनाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया। तो मैंने कहा चले आए, साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ। चले जी, फिर हम बनाते हैं आज अपने किचन में कैपेचिनो कॉफ़ी, जो आपके बहुत ज़्यादा पैसे दे के परचेज करते हैं। तो आज मैं आपको सेम वैसी ही कॉफ़ी घर पर बनाना सिखाऊंगी, और बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस ये बनेगी। अच्छा, आप इसको बना के 1 वीक तक स्टोर भी कर सकते हैं, कि मतलब बासरे में दिल करता है इंसान का, नहीं भी बनाने को दिल कर तो बस दूध गर्म किया और उसमें जल्दी से वो मिक्सर जो बना हुआ है वो निकाला और उसमें मिक्स किया और जल्दी से इसको एंजॉय किया, क्योंकि लेट नाइट आपको पता है इस तरह की चीज़ों का आजकल सर्दी तो बहुत ज़्यादा दिल करता है जी। तो मैं भी आज बना के रखूँगी अपने फ्रिज में और आप भी रखिएगा ज़रूर। तो चले आए जी, चलते हैं अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आ जाए जी। जी, कॉफ़ी बनाने के लिए जो जो हमें चाहिए, ये मैंने लिया है नीम गर्म पानी, ये मैं 1 टेबल स्पून लूँगी, और ये मेरे पास शुगर है ये मैंने 2 टेबल स्पून लूँगी, और ये मेरे पास कॉफ़ी है ये भी मैं 2 टेबल स्पून लूँगी। ये मैं 2 कप के लिए बना रही हूँ, अगर आप 1 कप बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको हाफ कर लें। और ये देखें, ये मैंने नेस्ले की कॉफ़ी ली है, और एक मैंने लिया है मग, और ये देखें ये मैंने मैयर के स्पून लिए हैं, इनसे मैं मैयर करूँगी। बीटर का बाउल है, इसमें मैं डालूंगी ये देखें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी। मैं आपको मैयर करके दिखा रही हूँ, पहले मैंने मैयर करके रख लिया था पर मैं आपके सामने करना चाहती थी। ये देखें ये 2 टेबल स्पून ये मैंने इसमें डाल दी। इसी तरह से ये देखें मेरे पास है शुगर, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून मैयर करके रखी हुई है, ये देखें मैंने इसमें डाल दी। और ये देखें अब मैं 1 टेबल स्पून पानी लूँगी, ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया, फुल गर्म पानी है। अब देखिए मैं दिखाती हूँ अब क्या करना है। देखें जी मेरे पास जो बीटर है, ये देखिए मैंने उसके बॉल इस तरह सेट कर दिया है। अब ये देखिए इस तरह से मैं इसको ऊपर वाला हिस्सा भी इस तरह से, ये देखिए मैंने इसको सारा सेट कर दिया है ऐसे। अब मैं इसका स्विच लगाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखिए मैंने बीटर चला दिया है और अब इसमें कॉफ़ी हो रही है, मैं सॉरी मिल गया है। अच्छा, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं आपको बीटर से बनाना बता रही हूँ, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको वैसे भी बनाना बताऊँगी। तो ये देखें मैं इसको सारा करती हूँ, मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, ये देखें मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, ये देखें ये हो रही है। क्योंकि इसको टाइम थोड़ा सा लगेगा, आपको पता है हैंड से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इससे ज़रा थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो मैं अच्छे से वेट करती हूँ, झाग बनना शुरू हो गई मैं दिखाती हूँ। फॉर्म में आ गया और इसका कलर चेंज हो रही है, देखिए पहले ब्राउन कलर था, अब इसका क्रीमी क्रीमी का कलर आना शुरू हो गया। नहीं, वैसे मैं इसी तरह से करती रहूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी कॉफ़ी जो है तकरीबन हो गई है, बस अब 1 से 2 मिनट मैं इसको और करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए आपने जब देख लेना, आपने इस तरह से ना बीटर को इस तरह से चेक कर लेना है, ये देखें आप, ये देखें ये गिरना बिल्कुल बंद हो गई है। इसी तरह हमें ये सेम यही टेक्सचर चाहिए था, तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये गिर नहीं रही, अब ये फिक्स हो चुकी है, इसका मतलब ये फ्लफी बिल्कुल हो चुकी है। इसी तरह से हमें फ्लफी से एक फॉर्म चाहिए थी, अब बस जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए मैं और करूँगी फिर मैं इसको बंद कर दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कॉफ़ी हो गई है रेडी, मैंने अब बीटर बंद कर दिया, ये देखें ये गिर नहीं रहा बिल्कुल, ये फिक्स हो गया है, ये देखें आप इसको देख सकते हैं। और इसका टेक्सचर मैं आपको फिंगर लगा कर देखती हूँ, कितना क्रीमी सा और सॉफ्ट सा, ये देखें देख सकते हैं फ्लफी फ्लफी सी बनी है आप सी में, देखिए आपको कितना करीब कर सके दिखा रही है। देखिए मैं और दिखाती, देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरा। आपने यही चीज़ लेनी है, और ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही वाला बीटर हो, आप कोई भी बीटर ले सकते हो, जिस तरह कॉफ़ी बीटर आपको पता मार्केट से इजीली मिल जाते हैं और बहुत ही मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं। बेस्ट है कि आप कॉफ़ी बीटर है वो ले लें, क्योंकि उससे ना तो हाथ थकते हैं, बट ये है कि हाथ का अपना टेस्ट है, इसका अपना टेस्ट है, बट मैं बिलीव मी बहुत ही मज़े की बनती है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी जी, हाथ से जो जायका आता है वो बीटर से नहीं आएगा। आपको पता है जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में हैं वो कॉफ़ी जो है मशीन से बनती हैं, तो इसीलिए हमने भी ये मशीन से बनाई है। तो देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। अब मैं इसको एक बॉल में निकालती हूँ फिर मैं आपको, ये देखें आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, ये देखें ये बिल्कुल भी स्पून से गिर नहीं रही, ये देखें मैं इसको हिला के भी आपको दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही होना चाहिए। देखिए अब मैं इसी तरह से सारे इस जार में डाल लूंगी फिर मैं आपको। ये मैंने लिए हैं अब 2 मग दूध,
और ये देखिए मैंने चूल्हे पे रखा है सॉस पैन, तो मैं इसमें ये 2 कप दूध ऐड कर दूंगी। अब मग, मैंने ये मग बना रही हूँ मैं, जो दूध है ये हमने फुल बॉयल करना है। जब इसको बॉयल आएगा, मतलब जिस तरह ये हम दूध पकाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसी तरह ये उबल के पकने लगेगा, फिर हमने इसका चूल्हा बंद करना। उससे पहले हमने चूल्हा बंद नहीं करना। मेरा दूध बॉयल होने में फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी मेरे दूध को आ रहा है बॉयल। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह और मजीद पकाऊंगी। ये देखिए मैं 2 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे बॉल पकाऊंगी। अब मैंने लिया है एक मग, और ये देखें जो मैंने कॉफी आपको दिखाई थी मैंने इस तरह जार में डाल के रखी थी। अब आप इसको 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं, आपका जब दिल करे आप इसको निकालें और बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं 2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी कॉफी के। ये देखिए जी 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। नहीं, मैं बस छोटे से टेबल, ये छोटा स्पून है तो सॉरी, मैं इसमें 3 डाल दूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाली, और ये मैंने सारा इस तरह से इसको फैला दिया है मग में। आपने अगर मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आप 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। हर मैं मतलब नॉर्मली बना रही हूँ, ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही बहुत ज्यादा लाइट, तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून डाले। और अब हमने जो दूध लेना है वो ये देखें, ये जो मैंने सॉस पैन में दूध बॉयल किया है, ये देखें इसको आपने थोड़ा सा इस तरह ऊपर से करके डालना है ताकि एक झाग सी बन जाए। ये देख रहे हैं, ये देखें जी अब मैं ऊपर भी इसके 1 स्पून डाल रही हूँ। ये टीस्पून मैंने लिया थोड़ा सा, मतलब जस्ट इसको करने के लिए। और ये देखें आपको ये देखें झाग नज़र आ रही है, ये देखें हो गई। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी अब मैं लूँगी थोड़ी सी कॉफ़ी और वो मैं इस पर इस तरह से डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए जी हमारी कॉफ़ी हो गई है रेडी। आप इसको देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखें जी बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी सी ये बनी है। आप भी बनाएं और सर्दियों में इंजॉय करें। आपको पता है ठंड में तो कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है, तो हर टाइम आप बाहर तो नहीं जा सकते, कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो घर में भी बना किस तरह की चीज़ें इंजॉय करे जी। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा और आप भी विंटर्स इंजॉय करें। जी तो कैसी लगी है आपको मेरी आज की ये कॉफ़ी की रेसिपी, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ट्राई करके फिर मुझे फीडबैक देना है और कमेंट करना है। जी तब तक के लिए मैं ज़्यादा चाहती हूँ आपने अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और वही बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, रिलेटिव्स। तब तक के लिए ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।